लास्ट टाइम हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टडी कर रहे थे और आप तमाम स्टूडेंट ने अब तक की स्टडी की जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको रिकॉल कर लिया होगा। और ज़रा याद करें कि लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज जिस ब्रांच को हम पहले स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ज़रा इस लफ्ज़ पर गौर कीजिए, लफ्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है इलेक्टर। इलेक्टर का लसी तर्जुमा याद करें, हमने समझा था कि इसका मतलब होता है चार्ज। और स्टैटिक्स दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का लसी तर्जुमा होता है सकून, यानी इलेक्टर मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स सकून या मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम स्टैटिक्स कहते हैं, अगर किसी और बॉडी के लिहाज से हो तो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम करेंगे क्या, ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर, चार्ज पार्टिकल्स का कैरेक्टर, नेचर या स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि वो कौन सी वाली हालत में हों, रेस्ट की हालत में हों, सकून की हालत में हों। इसके लिए छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ जो हम बचपन में करते रहे हैं। आप बचपन में क्या करते थे, आपके पास कुछ पेपर के पीसेस होते थे, आप पेपर को पीस में डिवाइड कर दिया करते थे और आपके पास एक स्केल होता था प्लास्टिक का, आप उसको अपने बालों में रगड़ा करते थे और पेपर के पीस के करीब लेकर जाया करते थे, तो आपने देखा कि वो पेपर के पीस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते थे। ये कैसे हो रहा होता था, जब आप स्केल को सर पे रगड़ते थे तो उसकी सरफेस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते थे, जमा हो जाते थे, और जैसे ही आप उसको पेपर के पीस के करीब लेकर जाते थे तो पेपर के पीस के ऊपर अपोजिट चार्ज एक्यूमुलेट हो जाया करते थे, जिसके नतीजे में क्या होती थी, अट्रैक्शन। तो आपने चार्ज का बिहेवियर अट्रैक्शन के लिहाज से वहाँ पर देखा कि जो पेपर के पीस हैं उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से स्केल की तरफ चले आया करते थे। ये उसी सूरत में मुमकिन होता था जब सरफेस के ऊपर क्या चीज़ एक्यूमुलेट होती थी, चार्ज, और वो चूँकि रेस्ट की हालत में होती थी तो आपने उसको क्या कह दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिहेवियर ऑफ चार्ज, कैरेक्टर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर आप स्टडी करें और वो कौन सी वाली हालत में हो, स्टैटिक, तो उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज के बिहेवियर की ही बात की थी, बट सिटी का मतलब शहर के होते हैं लेकिन एक मतलब उसका हरकत भी होता है, तो हमने वहाँ पर बिहेवियर ऑफ चार्ज को इन टर्म्स ऑफ मोशन डिस्कस किया था। इसी तरह कैपेसिटर्स में भी चार्ज स्टोर हो रहे होते हैं, पंखों में जो कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, लाइट्स के अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर, तो वहाँ पर चार्ज रेस्ट की हालत में होते हैं, स्टोर होने के बाद वो रेस्ट में आ चुके होते हैं और फिर उसके बाद वो अपना वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप बिहेवियर ऑफ चार्ज डिस्कस करें जबकि वो रेस्ट की हालत में हों तो उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लफ्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर गौर करें तो अगेन आपको यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है इलेक्टर, और इलेक्टर का लफ्जी तर्जुमा क्या हो गया, चार्ज। और मैग्नेटिज्म के अंदर जो लफ्ज छुपा हुआ है वो मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब होता है मकनातीस। जहाँ तक इलेक्टर यानी चार्ज का ताल्लुक है तो वह हम डिस्कस कर चुके हैं, सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेट क्या होता है। तो मुख्तसर सी डेफिनेशन यही जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन, निकल या कोबाल्ट की बनी हुई अशिया को अट्रैक्ट या रिपेल करे उसको हम कह देते हैं मैग्नेट। अगर कहीं पर आप चार्ज और मैग्नेट का बिहेवियर, चार्ज और मैग्नेट का कैरेक्टर, चार्ज और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ मिला जुला कर स्टडी करें, चाहे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों या नॉन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, सिमिलर कैरेक्टर्स हों या नॉन सिमिलर कैरेक्टर्स हों, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर चार्ज कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी तरह मैग्नेट के पोल्स भी कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। फिर आप ये देखें कि जो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं। इसी तरीके से दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं यानी दूर जा रहे होते हैं। इसी तरीके से दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरीके से दो ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
अगर कहीं पर आप चार्ज को रख देते हैं तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैग्नेट को कहीं पर रख दें तो मैग्नेट भी अपने सराउंडिंग में फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। चार्ज के फोर्स को आप जहाँ तक महसूस कर लेते हैं वो पूरा का पूरा रीजन आप पढ़कर आए हैं छोटी क्लास में, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट की फोर्स को जहाँ तक महसूस कर लें वो पूरा का पूरा रीजन बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्ज और मैग्नेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मुख्तलिफ रूल्स, लॉज या प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर मिला जुला कर स्टडी कर सकते हैं और अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारी रियल लाइफ में मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जहाँ ये फेनोमेना हो रहा है, और कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, उन रूल्स, लॉज या प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आखिर क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, अक्सर लोग इस चीज़ पर कंफ्यूज होते हैं। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया था, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिसिटी में हरकत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट के हवाले से हमने बात की, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन तीनों को अगर आप जहन में रखें तो बआसानी इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ब्रांच बन चुकी है। इसका ताल्लुक हमारी मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से है। अगर हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर चार्ज को कंट्रोल करने की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करना कंट्रोल करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके प्रोपेगेट करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके ट्रांसमिट करना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके आप रिसीव करें, तो ये तमाम का तमाम काम जिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ज़रिए मुमकिन है उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। यानी जहाँ कहीं भी चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंट्रोल करके जनरेट, ट्रांसमिट, प्रोपेगेट या रिसीव करने की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को। हम जब कोर्स को बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे तो ये तमाम चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम ये डिस्कस मैं ये बता दूं कि हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कंट्रोल करके सिग्नल्स को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, प्रोपेगेट या रिसीव करना, तो ये काम हम कर रहे थे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और टेलीविज़न और कंप्यूटर नेटवर्किंग के ज़रिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब किसी को कॉल मिला रहे होते हैं या जब कहीं पर कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं मैसेज करने के लिए, तो वो सिग्नल कंट्रोल करके जनरेट करते हैं, फिर कंट्रोल करके ही वो ट्रांसमिट होता है मोबाइल फ़ोन से, कंट्रोल होकर ही वो मोबाइल फ़ोन से टावर और फिर टावर से उस शख्स के पास जिसको आपने मैसेज किया था या कॉल की थी वहाँ कंट्रोल करके प्रोपेगेट होता हुआ रिसीव हो जाता है। तो ये सब कुछ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए ही मुमकिन है। नेक्स्ट ब्रांच जो इनसे हट कर रहे हैं वो हैं बायोफिज़िक्स। लफ्स बायोफिज़िक्स पर गौर कीजिए तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली एक है बायो, बायो का मतलब हो गया लाइफ। छोटी क्लास में आप ये भी चीज़ पढ़ कर आए हैं, नाइन्थ क्लास में आपने बायोलॉजी में बाकायदा तौर पर इसको तफसील से पढ़ा है। और फिज़िक्स, फिज़िक्स का मतलब स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, मुख्तसर हम ये कह सकते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर। तो बायोफिज़िक्स से क्या मुराद होगी? हम ऐसे सिस्टम्स डिस्कस करें या ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फेनोमेनन्स डिस्कस करें जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हो और फिज़िकल पर्सपेक्टिव से भी हो, तो उसको हम कह देते हैं बायोफिज़िक्स। अगर आप गौर करें तो यूनिवर्स में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि हम लोग मौजूद इंसान, इसी तरीके से मुख्तलिफ जानवर यानी कि हैवान मौजूद हैं, चरिंद परिंद मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, आबी मखलूक़ात मौजूद हैं। हम सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान नॉन कॉमन हैं। हम सांस लेते हैं, दरख्त पौधे वगैरह भी सांस लेते हैं, जानदार हैवान कीड़े मकोड़े आबी मखलूक़ात भी सांस ले रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर हम हेयर कटिंग करवाते हैं उसकी ग्रोथ होती है, हम अपने नाखून काटते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है, अगर किसी का दांत टूट जाता है तो उम्र के एक ख़ास हिस्से तक निकल आता है।
अगर हम पौधों में देखें तो पत्ता टूटता है, टूट जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। फल या फूल वगैरह अगर आप तोड़ लें उसकी भी ग्रोथ हो जाती है। जब तक के दरख्त को जड़ से ना उखाड़ दिया जाए उसमें हर चीज़ की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन इंसानों में हर चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही। अगर खुदा ना खास्ता किसी की उंगली अलहदा हो जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। अगर हाथ किसी का जिस्म से अलहदा हो जाए तो क्या उसकी ग्रोथ होती है? नहीं होती। तो ऐसा क्या है कि पौधों में तो हर चीज़ की ग्रोथ हो रही है, इंसानों में हर चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही? तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं बायोफिजिक्स में। फिर आपने देखा लीसर्ड, उसकी टेल बॉडी से अलग हो जाती है, उस पर लाइफ बाकी रहती है, लेकिन गाय की तुम अगर बॉडी से अलग हो जाए उसमें लाइफ बाकी नहीं रहती। तो आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों है, वो भी हम डिस्कस करते हैं बायोफिजिक्स। फिर हम मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, हम मेडिकेशन करते हैं, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैनिंग, लेज़र, एमआरआई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ताल्लुक भी किससे है? मेडिकल साइंस, और वो बुनियादी तौर पर रिलेट करती है बायोफिजिक्स से। यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे फेनोमिनन्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम और फिजिकल सिस्टम को बाहम रिलेट करते हैं, उसको हम आसानी के लिए क्या कहेंगे? बायोफिजिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज चार ब्रांचेस हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं मुख्तसरन, ये आपको समझ आई होंगी। आप इनको अच्छी तरीके से स्टडी करें, जो भी क्वेश्चन हो वो नोट करते रहें और फिर मुझसे पूछते रहें। थैंक यू।